अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है, अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है, और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। इनको मान ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि जरा अपने प्रदेश में अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहां इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण है और जनता वहां की त्रस्त है। इतने वहां भ्रष्टाचार, इतना अनाचार हो रहा है और ये मूक बने बैठे हैं, ये जरा अपने घर में झांक लें। तो मुझे लगता है कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई पीढ़ियां, कई इनको जन्म लग जाएंगे, परंतु ये आरएसएस को तब भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो चीज ही नहीं है, उनके अंदर वो भाव ही नहीं है। जब देखो तब किसी ना किसी पे, अगर कांग्रेस वही है, ये वही कांग्रेस है कि जब किसी आतंकवादी को कोई मारता है तो ये कांग्रेसी उनके यहाँ धन देने चले जाते हैं, संवेदना प्रकट करने चले जाते हैं। और जो आक्रमण हुआ था बाटला हाउस में, जो हुआ था, उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उस समय रोई थी। ये आतंकवादियों पर रोने, उनके मरने पर रोने वाली कांग्रेस पार्टी, ये कभी भी देशभक्तों की पार्टी हो ही नहीं सकती और कभी भी देशभक्ति की बात कर ही नहीं सकती। आरएसएस से इनको इसलिए परेशानी है क्योंकि वो पूरा मतांतरण नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना आतंकवाद नहीं फैला पा रहे हैं। अगर कोई अंकुश लगाता है तो आरएसएस कोई सत्ता नहीं कर रही है, आरएसएस की सत्ता नहीं है, परंतु आरएसएस घर घर में, जन जन में, देशभक्त के मन में व्याप्त है, इसलिए आरएसएस से ये परेशान है। और मुझे लगता है आरएसएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वालों पर, और मैं उन्हें सचेत करना चाहूंगी कि अपने घर में निहार लें, उसके बाद कहीं बाहर देखने का प्रयास करें, और राष्ट्रभक्तों को जानने का तो ये प्रयास भी करेंगे तब भी ये नहीं कर पाएंगे।